राहुल, इस ठंड के मौसम में और इस भयंकर कोहरे में गेहूं की फसल की सिंचाई करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो बारिश भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से खेत में वाटर पंप से गेहूं की फसल की सिंचाई करना पड़ रही है। ऊपर से ये भयंकर कोहरा है, कोहरा भी बुरा हाल करे पड़ा है। तो मोदी जी, एक बात बताओ, कोहरा हो या कुछ भी हो, गेहूं की फसल की सिंचाई तो करना ही पड़ेगी। अगर हम लोग गेहूं की फसल की सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की पैदावार भी तो अच्छी नहीं होगी। अच्छा मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं, आप, अमित शाह जी और अखिलेश मिलके खेती करते हैं। आप और मैं दोनों लोग खेत में भरपूर मेहनत करते हैं। अमित शाह जी भी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन ये अखिलेश तो खड़ा रहता है और जब अनाज बांटने का नंबर आता है तो बराबर का अनाज लेता है ये। राहुल जी, बेफालतू की बात मत करो। इस बॉर्डर पंप को इस खेत तक कौन खींच के लाया था? इस कोहरे में, ठंड में इस बॉर्डर पंप को तो मैं ही खींच के लाया था खेत तक। तुम तो बस यहाँ पे आके खेत की सिंचाई जब होने लगती है शुरू तो थोड़ी देर के लिए आ जाते हो। राहुल, तुम भी बेफालतू की बात करते रहते हो। अपना चारों लोग मिलके खेती बाड़ी करते हैं, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं। तुम बेफालतू की खुरा बात करते हो कि ये काम कम करता है, वो काम कम करता है। अरे सब लोग बराबर काम करते हैं। देखो अमित शाह जी खेत में मुंडी खत्म करने की स्प्रे लगा रहे हैं, बॉर्डर पंप चल रहा है और अपना दोनों लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं। अखिलेश बॉर्डर पंप को देखा हुआ है, सब लोग तो अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी, मुझे लगता है ये राहुल ही कम मेहनत करता है, बाकी सब लोग तो अपना सही मेहनत करते हैं। अखिलेश भी इस खेत पर अच्छी मेहनत करता है, आप भी अच्छी खासी मेहनत करते हैं, और मैं देखो इस गेहूं की फसल की खेत में मुंडी खत्म करने की स्प्रे कर रहा हूँ। वैसे मोदी जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस कोहरे में सिंचाई करने में बड़ा दिक्कत होती है, ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे मैं तो स्वेटर या जैकेट पहन के भी नहीं आया। राहुल, आप और अखिलेश तो देखो जैकेट और स्वेटर पहने हुए हो। तो अमित शाह जी एक बात बताओ, इतना भयंकर कोहरा है, तुम्हें किसी ने स्वेटर पहनने को मना किया था? इतने भयंकर कोहरे में एक तो ठंडा पानी है ये, इसमें सिंचाई करते बेजी ठंड लगती है। मैं तो बिना स्वेटर पहने आता ही नहीं हूँ यहाँ पे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, योगी जी, राहुल, सही जगह पर मिल गए तुम, मैं तुम्ही को देखता फिर रहा था। अरे तुम गांव के मेन आदमी हो, मैं तुमको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं ग्राम प्रधान के इलेक्शन में दोबारा खड़ा हो रहा हूँ। पिछली बार तो प्रधान था ही, मैं इस बार फिर से प्रधानी में खड़ा हो रहा हूँ। ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक है, मेरा ध्यान रखना मोदी जी, योगी जी, राहुल, एक बार मुझे प्रधान और बना दो गाँव का, बस आप सब लोग के सहयोग की जरूरत है। अरे भाई अखिलेश, तुम 5 साल तो हमारे पास बिल्कुल झांके भी नहीं, गांव के प्रधान बनने के बाद तुमने आगे भी नहीं देखा है हमारे पास। अब तुम दोबारा ग्राम प्रधान के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो हमारे पास आए हो वोट मांगने के लिए। अरे भाई 5 साल में तुमने क्या किया है? इस बार अमित शाह जी भी ग्राम प्रधान के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो पहली बार खड़े हो रहे हैं, तो हम उन्हीं को देखेंगे पहली बार में। अरे जब तुम प्रधान थे मैंने तुमसे कहा था मेरे मोहल्ले में कोई हैंडपंप नहीं है, एक सरकारी हैंडपंप लगवा दो, तुमने एक हैंडपंप नहीं लगवाया। अरे भाई अखिलेश जी, तुम 5 साल में आए हो, मोदी जी सही कह रहे हैं बिल्कुल, इससे पहले तुम हमारे पास आकर झांके। पिछली बार मैंने तुमसे कहा था कि नहर से मेरे खेत तक एक नाला बनवा दो, नहर का पानी मेरे खेत में नहीं आ पाता है, तुमने बिल्कुल नहीं सुना, अब तुम वोट मांगने के लिए आ गए। भाई मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें वोट, कह देता हूँ साफ साफ। अरे अखिलेश, ये कोई बातें थोड़ी होती है, तुम 5 साल गाँव के प्रधान रहे, 5 साल में बिल्कुल भी गाँव की तरक्की नहीं हुई, उल्टा और गाँव 10 साल पीछे चला गया। अरे मैंने भी तुमसे कहा था मेरे घर पे बिजली नहीं है, बिजली के पोल मेरे घर तक खड़े करवा दो जिससे कि मेरे घर में बिजली आ जाए, लेकिन तुमने इस कान सुना उस कान निकाल दिया, क्योंकि उस टाइम तो तुम प्रधान थे। अब दोबारा इलेक्शन का टाइम आया है, अब आए हो तुम यहाँ पर। अरे भाई 5 साल हमने अंधेरे में काटे हैं बिल्कुल, ऐसे कैसे तुम्हें वोट दे देंगे? अरे भाइयों, मैं अब अपनी गलतियों का सुधार करूंगा, गाँव की तरक्की करूंगा, एक बार मुझे प्रधान और बना दो। मोदी जी तुम्हारे मोहल्ले में क्या तुम्हारे घर के बाहर ही हैंडपंप लगवा दूंगा, और राहुल मैं प्रधान बनने के बाद तुम्हारे खेत तक नाला खुदवा दूंगा, नहर का पानी तुम्हारे खेत तक पहुंचेगा, और योगी जी तुम्हारे घर तक बिजली पहुंचा दूंगा, बस एक बार और प्रधान बनवा दो मुझे, बस इस बार वोट दे देना, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अंगूर तो बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे दिख रहे हैं, एक अंगूर चेक करके देख लूं मोदी जी, फिर मैं 1 किलो अंगूर लूंगा तुमसे, बताओ एक अंगूर चेक करके देख लूं? देख लो चेक करके देख लो, मेरा अंगूर बहुत ही मीठा और बहुत ही बढ़िया अंगूर है, चेक करके देख लो, जब अच्छा है तो मुझे उसमें क्या, चाहे तुम एक चेक करके देखो चाहे 2 चेक करके देखो। अरे मोदी जी ये तो खट्टा है, बिल्कुल खट्टा अंगूर है, कैसे अंगूर रखे हुए हो, देखने में इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े लेकिन बिल्कुल खट्टे हैं।
मुझे मालूम था तुम यही कहोगे, तुम्हें तो बस एक अंगूर खाना था समझे। तुम्हारे जेब में पैसा है नहीं, अभी तुम्हारी जेब की तलाशी ली जाए एक रुपया नहीं निकलेगा तुम्हारे पास, तुम्हें तो बस एक अंगूर खाना था। हाँ मोदी जी, इनकी जेब में एक पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पैसा, पूरी गारंटी लेता हूँ मैं। अभी परसों ही तो इन्होंने 10 रुपए मुझसे उधार लिए, वो नहीं लौटाए अभी तक इन्होंने मुझे। अरे इतना बढ़िया अंगूर है, अभी आधा किलो मैंने लिया है, बिल्कुल शहद से भी मीठा अंगूर है, और तुम खट्टा बता रहे हो मोदी जी के अंगूर को, तुम्हें लेना ही नहीं है क्यों राहुल? अरे मोदी जी, योगी जी, क्या बताऊं अपनी जेब का हाल। सही कह रहे हो, बस तुम्हारे मोटे मोटे अंगूर देखे तो उन्हें देख के मुंह में पानी आ गया। मैंने सोचा किस बहाने से खाऊं, यही बहाना अच्छा था, इसीलिए एक दो अंगूर खा लिए लेने के बहाने से। पैसे नहीं है जेब में, अगर उधार देना चाहो तो 250 ग्राम अंगूर दे दो। अरे राहुल, तुम हमसे कह तो देते तुम्हारे पास में पैसे नहीं है, हम तुम्हें वैसे अंगूर दे देते। लो ये 250 ग्राम अंगूर ले लो, और पैसे जब चाहे जब हूँ तब दे देना समझे। ऐसा थोड़ी है ये, तुम पैसे मार कर खा जाओगे। ताले की चाबी बनवा लो, ताला सही करवा लो, आ जाओ मैं आ जाओ। चले यहाँ, जिसका भी ताला ना खुलता हो वो मेरे पास चला आए, पुराने से पुराने बंद ताले को भी मैं खोल देता हूँ। अरे मोदी जी, बिल्कुल सही टाइम पर मिल गए आप, मैं अभी के पास जा रहा था, क्योंकि इस एरिया में आपसे अच्छी ताले की चाबी कोई नहीं बनाता है। क्या हुआ योगी जी, किसी बंद ताले की चाबी खो गई क्या तुम्हारी? अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरे पीछे अखिलेश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, इसने मेरी पैंट में ताला लगाकर चाबी कहीं पर फेंक दी या छुपा ली, बता ही नहीं रहा है चाबी कहां पर है। अब इस ताले को खोल दो, किसी भी तरीके से खोल दो, कितना ही रुपया ले लो। अरे हमारा काम ही है बंद ताले को खोलना, लेकिन ये ताला तो बड़ा गलत जगह लगा दिया अखिलेश तुमने, और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। योगी जी, इस ताले को खोलने के मैं आपसे पूरे 5,000 रुपया लूंगा, बताओ खोल दूं ताले को? अरे कैसी बात करती हो, 200 रुपए की तो मैं पैंट पहना हूं, और ये 100 रुपए का ताला है, और आप 5,000 रुपया मांग रहे हो? भाई मैंने तो अपने 5,000 रुपया बता दिए, बाकी तुम्हें अगर थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लगती हो 10-15 हजार रुपया कम दे दो मुझे। अरे राहुल, तुम इतना भारी ताला लिए कैसे चले आ रहे हो, बड़ा पुराना ताला है। क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत पुराना ताला है, इस ताले ने हमारी बहुत सेफ्टी की है, हम जब भी घर से बाहर जाते थे इसी ताले को लगा कर जाते थे, लेकिन 2-3 दिन से इसकी चाबी नहीं मिल रही है, चाबी बना दो। कैसी बात करी राहुल, अभी बनाए देते हैं तुम्हारे इस ताले की चाबी, पुराना ताला है तो क्या हुआ, कहीं भाग थोड़ी गया? अरे राहुल, ताले की चाबी बनवाने से पहले इनसे रेट पूछ लो कितने में चाबी बनाएंगे, ये मेरे तो ताले की चाबी के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। तो राहुल से मैं ज्यादा पैसे थोड़ी मांगूंगा, 50,000 रुपए में ताले की चाबी बना दूंगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, 50,000 रुपए की चाबी, इससे तो मैं नया ताला नहीं खरीद लूंगा। राहुल तुमने शायद एक बात नहीं सुनी, ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए मैं तुम्हारे पुराने ताले को सोना समझ रहा हूँ, और चाबी भी सोने की बना के दूंगा। अरे योगी जी, ये मोदी जी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चाबी ये देखो मैंने अपने हाथ में छुपा रखी थी, ये लो, तुम तो अपना ताला खोलो। राहुल चाबी बनवाए ना बनवाए तुम ये चाबी लो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।